नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और प्लॉट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जो प्लॉट है वो कॉर्नर का प्लॉट है, उसके नॉर्थ में भी गली लगती है और वेस्ट में भी गली लगती है। ऐसे प्लॉट में बिल्डिंग बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपके प्लॉट का मेन फ्रंट जो बनता है वो नॉर्थ डायरेक्शन से बनता है। इसमें आपने अपने यहाँ मेन गेट कहाँ लगाना है? मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाना है। दूसरा गेट लगाना है तो आपने नॉर्थ सेंटर में दूसरा गेट आपने लगाना है। ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर अपने मेन गेट बनाएं तो मेन गेट आपके ना तो दीवार से ऊंचे होने चाहिए और ना ही पिलर से ऊंचे होने चाहिए। मेन गेट और जो आपकी दीवार है, जो आपका पिलर बनेगा, उनके बराबर ही होना चाहिए। मेन गेट बनवाते समय ध्यान रखना है, मेन गेट बिल्कुल वजन में हल्के होने चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्डिंग बनाने के लिए एक पानी की बोरिंग भी की जाती है। आपने अपने यहाँ पर बोरिंग कहाँ करनी है? आपने अपने यहाँ पर दोनों गेट के बीच में जो पिलर है, पिलर के बीच में आपने नॉर्थ के भाग में पानी की बोरिंग करनी है। आपने अपने यहाँ पर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना है तो वो टैंक का भी आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में ही बनाना है। ध्यान रखना है, जो आपके मेन गेट हैं, मेन गेट के ठीक सामने आपके ना हार्वेस्टिंग आए और ना ही बोरिंग आए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा पानी की टैंकी आपने कहाँ बनानी है। पानी के अंडरग्राउंड टैंक आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक बनाने हैं। यहाँ पर आप पानी का टैंक एक बनाएं, दो बनाएं, तीन बनाएं, चार बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जो पानी के टैंक के ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर गाड़ी का पहिया नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेयर्स और लिफ्ट आपने कहाँ बनानी है। स्टेयर्स और लिफ्ट आपने वेस्ट के भाग में यानी पश्चिम दिशा में आपने स्टेयर्स और लिफ्ट बनानी है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब आप स्टेयर्स बनवाएं तो स्टेयर्स आपकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। वेस्ट के भाग में जब आप स्टेयर्स और लिफ्ट बनाते हैं, इसको 2-4-5 फुट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साउथ वेस्ट की ओर भी खींच सकते हैं और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट की ओर भी अपने स्टेयर्स और लिफ्ट को खींच सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक मीटर आपने कहाँ लगाना है। इलेक्ट्रिक मीटर आपने साउथ ईस्ट के भाग में साउथ की दीवार के साथ लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन ये बनती है। सेकंड ऑप्शन में आप वेस्ट की दीवार पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में भी लगा सकते हैं। आपका प्लॉट टू साइड ओपन है और आप वेस्ट के भाग में यानी पश्चिम दिशा में भी एक गेट बनाना चाहते हैं तो वो गेट आपने नॉर्थ वेस्ट कोने में बनाना है। यहाँ पर आपका गेट बन जाएगा। यहाँ पर भी गेट बनाते समय ध्यान रखना है, जो आपकी बाउंड्री वॉल है, मेन गेट उसी के बराबर का होना चाहिए। हाइट में ना तो ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान कैसे करनी है। आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, ऐसे ही साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर ढलान करनी है। यानी पूरी बिल्डिंग का जो ढलान है साउथ वेस्ट से चलेगा और सारा का सारा पानी नॉर्थ ईस्ट में आएगा। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करेंगे, ऐसे ही हर फ्लोर पर आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करनी है और टेरेस की भी आपने फर्श की ढलान नॉर्थ ईस्ट के भाग में ही करनी है। यदि आप इस प्रकार से अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं, वास्तु का ध्यान रखते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी बिल्डिंग समय पर तैयार हो जाएगी। बिना परेशानी के, बिना तकलीफ के आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।